आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। दीपावली के निमित्त संत श्री आशाराम जी बापू के भक्तों द्वारा सागर जिले के खोरा खुर्द एवं उसके आसपास के बस्ती क्षेत्रों में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। 30 सितंबर से 11 अक्टूबर तक चले इस सेवा यज्ञ में जरूरतमंद लोगों को बर्तन, साड़ी, बच्चों के कपड़े, कंबल, दाल, मिठाई, चप्पल, मोजे, कैलेंडर आदि रोजमर्रा की वस्तुओं के साथ भरपेट भोजन एवं नगद रुपए भी दिए गए। गोरा खुर्द गौशाला में चले इन दिनों के भंडारों में हजारों लोगों ने लाभ लिया। दूर दराज के जंगलों में जहां पहुंचना दुर्लभ प्राय है, ऐसे स्थानों पर भी पूज्य बापू जी के शिष्यों ने जब पहुंचकर गरीबों की सेवा की, उन्हें जीवन उपयोगी सामग्रियों के साथ अपनत्व दिया तो गरीबों की आंखों से अहोभाव के आंसू छलक उठे। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। सब कुछ सहन करते हुए सबके प्रति अपना धर्म निभाना, सबकी पीड़ा हरना और खुशी भरना, यह तो पूज्य बापू जी जैसे कोई संत ही जाने। दीपावली जैसे पर्वों पर एक और जहां सभी लोग अपने अपने परिवार और मित्रों के साथ दीपावली मनाने में मशगूल रहते हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसे संत हैं जो पिछले 50 वर्षों से प्रतिवर्ष दीपावली के महीनों पहले से ही दरिद्र नारायणों को मधुर भोजन, जीवन उपयोगी सामग्री एवं खुशियां बांटकर अपनी दीपावली मनाते हैं। संत श्री के प्रेरणा से चल रहे इन कार्यक्रमों में वक्ताओं द्वारा कल्याणकारी भगवान नाम संकीर्तन, सत्संग, व्यसन मुक्ति कार्यक्रम भी करवाए गए, जिससे उनका जीवन मंगलमय हो। पूज्य बापू जी के शिष्य श्री रामा भाई, श्री विजय महाराज एवं साध्वी श्री नीलू बहन ने अलग अलग स्थानों पर हुए कार्यक्रमों में व्यसनों की हानियां बताई और लोगों को तंबाकू, गुटखा, शराब आदि व्यसन छोड़ने का संकल्प भी कराया। इन कार्यक्रमों में विद्यार्थियों को परीक्षा में अच्छे अंक पाने, स्वस्थ रहने के उपायों के साथ बड़े बुजुर्गों एवं माता पिता के आदर पूजन के संस्कार दिए। गौरतलब है कि पूज्य बापू जी के प्रेरणा से देश भर में समाज सेवा के विभिन्न प्रकल्प चलाए जाते हैं। वर्ष 2011 में जब बापू जी को यह पता चला कि गौरा खुर्द में बारिश के दिनों में लोग बैठकर ठीक से भोजन नहीं कर पाते, भीग जाते हैं, ऐसी गरीबी है, तो पूज्य बापू जी ने वहां अनेकों मकान बनवाकर बांटे। पूज्य बापू जी की प्रेरणा से संचालित गौशाला है जिसमें सैकड़ों गायें हैं। देश भर के 45 से अधिक गौशालाओं में करीब 10,000 गौधन की सेवा हो रही है, जिसमें कई निसहाय असक्त गाय भी हैं। देश भर में हजारों बाल संस्कार केंद्र, बच्चों में संस्कार सिंचन कार्यक्रम लगे हैं, जिसमें 11 अक्टूबर को श्री रामा भाई के सानिध्य में शाहपुर की हरि नाम संकीर्तन यात्रा को ऐतिहासिक थी देखें उसकी कुछ झलकें। कारों पर सजे संत आसाराम जी बापू की झांकियां आकर्षण का केंद्र रहे। पूज्य बापू जी की प्रेरणा से 12 अक्टूबर से सागर जिले व आसपास के क्षेत्रों में स्कूलों में योग व उच्च संस्कार शिक्षा कार्यक्रम भी आरंभ किया जा रहा है। रियल लाइफ पब्लिक स्कूल शाहपुर में कल श्री रामा भाई और नीलू बहन के सानिध्य में यह प्रोग्राम दोपहर 11 बजे से हो रहा है। पास निकाल ले, पास फटाफट करो भैया, लेट हो जाएंगे, बहुत समय लगेगा। लो आपका पास कितने पकड़ो, ऐसे पकड़ो, यहाँ से ये पकड़ो, यहाँ से ये पकड़ो, ठीक है। आपके दो अलग है, दो ही चीज है आइटम, और आपके दो मतलब वो साड़ी साड़ी के चलो मिठाई से है, सपोर्ट देना, आप पता नहीं वहाँ देना है।
लो भी भेजी है, मिठाई भी भेजी है, साड़ी भी भेजी है। इसको मिला दिया करो ना, सिलेंडर लगाना घर में, पानी ठीक है, रोज जो रोज इनको प्रणाम करना। बेटा नहा लिया करो यार, जो किसी तो मैं चलो नार्मो फार्मो लो आगे आ जाए आप ना बोले नहीं तो एक इनका आइटम पूरी ले लो यार। मैं तो मदन भाई मिठाई का डब्बा है ना, ये घर में नहाने को किलोमीटर के दूरी पर, जैसा कि गोरा खुर्द में अपनी गौशाला है, उससे भी 40 किलोमीटर दूर इधर जंगल क्षेत्र है और जहां पर कच्ची सड़कें हैं और देख सकते हो पीछे ऐसे ऐसे घर हैं जो प्लास्टिक और पूरी झोपड़ी बनी हुई है। यही ऐसी जगहों पर भी गुजारा करते हैं, गुजारा रहे हैं। हाँ, लाइट भी नहीं, लाइट नहीं है, कोई साधन नहीं है। हम तो देश की विकास की बात करते हैं लेकिन यहाँ पर सरकार की पहुंच भी नहीं है, जहाँ अभी तक लाइट भी नहीं है यहाँ। तो विश्व वंदनीय संत श्री आसाराम जी बापू जी विगत 50 वर्षों से सत्संग तो करते ही हैं, बहुत सारी सेवा प्रवृत्तियां आश्रम की ओर से चलती है, व्यसन मुक्ति अभियान, मातृपितृ पूजन दिवस, देसी पूजन दिवस, उसमें भी विशेष करके गौ संवर्धन के लिए सैकड़ों गौशाला है। उसके अलावा विशेष हर साल प्रतिवर्ष दीपावली आने से पहले बापू जी बोलते हैं कि पहले गरीब के घर का दिया जलाओ, बाद में अपने घर का दिया जलाओ। तो विश्व वंदनीय संत श्री आसाराम जी बापू जी ये मात्र मध्य प्रदेश के दूर सुदूर जंगलों की बात नहीं है, देश के जितने भी आदिवासी क्षेत्र हैं, गरीब राज्य है, चाहे वो गुजरात और महाराष्ट्र की बॉर्डर हो, गुजरात और मध्य प्रदेश की बॉर्डर हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, झारखंड हो, देश के सभी जगहों पर जहां अभी भी पिछड़ा वर्ग है और ऐसे लोग हैं जहां अपने दो टाइम का वक्त का भी भोजन वो व्यतीत नहीं खा नहीं सकते, ऐसे ऐसे लोग आप देख सकते हैं। और हम अभी विगत करीबन यहाँ पर 30 तारीख से इस क्षेत्र में भंडारे चल रहे हैं बापूजी की पावन प्रेरणा से। तो बापूजी देखो कहीं भी रहें लेकिन बापूजी वहाँ तक पहुँचा देते हैं जहाँ तक सरकार की भी पहुँच नहीं होती, ऐसी जगहों पर बापूजी जरूरतमंद की सामग्री देते हैं। तो बाढ़ आ जाती है, कभी भूकंप आता है, कभी पिछले दो साल कोरोना में था, तो बापूजी तीन तीन बार पूरी किट बनवा करके और इन जरूरतमंद लोगों को ये सामग्री पहुंचवाते हैं। तो दीपावली के पावन पर्व पर बापूजी ने भाइयों के लिए अलग चीजें भेजी है, माताओं के लिए अलग चीजें हैं, साड़ी है, इसमें पूरा सेट है माताओं बहनों का, भाइयों के लिए अलग है, मिठाई है मिठाई के इसके अंदर डिब्बे में, और नगद राशि है, सर्दी आएगी अभी इसके बाद तो कंबल है और लॉकेट है, कैलेंडर है, बहुत सारी सामग्री जरूरतमंद लोगों को दी जा रही है, नगद राशि भी दी जा रही है। तो